इन सिटी का सबसे बड़ा ब्रिज है। अभी हम पहुंच गए हैं एक छोटे से गांव में और हमने बहुत सारी भैंस देखी है, तो हम आपको भैंस दिखा देते हैं। क्योंकि वियतनाम में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वियतनाम में भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं क्या नहीं, तो आज हम उनको दिखाने वाले हैं। ये देखो सामने बहुत सारी भैंस हैं। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि इनके बड़े बड़े सींग हैं और देखने में तो बहुत हट्टी कट्टी है। भाई पीछे लग गई ना तो मैं इतना दौड़ नहीं पाऊँगा। जिम भले ही करता हूँ मैं, लेकिन रनिंग इतनी तेज़ नहीं है क्योंकि ज़्यादा उम्र हो गई है मेरी, तो अब रनिंग की स्पीड कम हो गई है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इतनी सारी भैंस। ये देखो खेतों में चर रही है ये। और इनके सींग देखो बहुत बड़े बड़े हैं। ये तो भाई किसी को भी उठा के पटक देगी ना तो वो बंदा पानी भी नहीं मांगेगा, वो यार मरेगा ही मरेगा वो। और ये इसका रखवाला आ रहा है पीछे पीछे। सिंचाओ भाषा समझ में नहीं आएगी लेकिन मैं बात करूंगा। वो डीडाओ डीडाओ ओके। वियतनामी वर्ड से बैस, अंडो अंडो से बैस बैस, वियतनामी मुट्टम कौन मुट्टम। हाँ ओ ये कह रहे हैं कि 100 भैंस हैं। और सुआ 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 हाँ ये सब दूध देने वाली है ये बता रहा है। लेकिन ये देखो बहुत सारी भैंसें हैं। और अब मैं जाने वाला हूँ, मैं बस ये भैंस देखने आया था कि यहाँ पे कैसी होती है। मैंने आपको भैंस दिखा दी है, ये इनका रखवाला है और इसके 100 भैंस हैं ये टोटल। इसने बताया 100 भैंस हैं वो सारी दूध देने वाली है। भाई ऐसा लगता है कि हम इसको इंडिया ले जाए भैंस को, पर ले जा नहीं सकते। खुएकम खुए खुएकम का मतलब होता है कि आप कैसे हो, तो बोला कि मैं अच्छा हूँ। ओ अंचुआ केना हो अंचुआ साहूजा भाईजा भाईजा तो ही हाँ। अंजो का मतलब खाना, ये खाएंगे 7 बजे या 6 बजे खाना। और डी डा वे या डी वे हाँ, अब ये घर जा रहे हैं तो चलते हैं, अब यहाँ से विदा करते हैं। ठीक है बाबा यहाँ ओके खोले ना ओके हो रहा है मोचुत मोचुत तिंग वेत हाँ गुई डाउ गुई डुक ना हो रहे हाँ विन है विन 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 रोड हाँ विन रोड ओके आ रहे दिया वो 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 हाँ मेरे को कौन गया था मैं कौन हाँ वीडियो वीडियो हाँ वीडियो हाँ चुपांग 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 का मतलब था फोटो खींचना। तो ठीक है यूसे बाबा यहाँ बाबा यहाँ बाय 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 यहाँ ओके। भाई बहुत मेहनत करते हैं, अभी जाने वाला है भैंस, वो आगे पहुंच गई है। और भाई बहुत खूबसूरत है यहाँ के खेत, बहुत पानी पानी है। और यहाँ वियतनाम में जो खेत होते हैं और खेतों की जो मिट्टी है ना वो काली मिट्टी है और चिकनी मिट्टी है। जैसे वो इंडिया में हम पुराने घर होते थे अपने पहले, तो हम वो मिट्टी लाते थे खोद के, फिर घर लेके जाते थे और फिर उसमें पानी मिला के और फिर उसको
घर के सामने जो आंगन होता था पहले कच्चे मिट्टी का, तो हम उस पर लिपा पोती करते थे, है ना। हाँ, तो वो वाली मिट्टी है, और इस मिट्टी का चूल्हे भी बनाते हैं, जो मिट्टी के जो बनते हैं ना वो सब वो वाली मिट्टी है, जो चूल्हे और घड़े और मिट्टी के जो भी बर्तन है। देखिए कि चिकनी मिट्टी है और यहाँ खेत है, ये हाथों से खुदाई करते हैं। हम छोटे से गांव में हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वो है हॉस्पिटल, यहाँ पे ग्राउंड बना रखे हैं, और यहाँ पे माताजी लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। हम इनको वॉलीबॉल दिखाते हैं। घूमने निकले थे, वीडियो बनाने निकले थे, और इनको दिख गया यहाँ पे कि खेल रहे हैं, तो बस अब मैं भी खेलूँगा। तो देखिए लग गए यहाँ पे खेलने को, बच्चों वाली बॉल से खेल रहे हैं। अब हम आ गए हैं वापस, घर जा रहे हैं, शाम हो गई और अभी 7 बजने वाली है, 5 मिनट कम है। तो अभी हम कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं, तो हम कॉफ़ी पीने वाले हैं, लेकिन कॉफ़ी नहीं पियेंगे हम, चॉकलेट मिल्क टी आज ट्राई करते हैं पहली बार, चासुआ चोको। ऑर्डर तो मैंगो टी की थी, बट मैंगो है नहीं, ख़त्म हो गया। मैंगो ख़त्म हो गया तो चॉकलेट की थी, हम दूसरा ऑर्डर किया है। तो हम रुके हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारा है, सुंदर भी है, लड़कियाँ भी सुंदर हैं, और यहाँ पे लड़कियाँ भी सुंदर हैं काम करने वाली। ये पूछ रही कि यहाँ बैठोगे या लेके जाओगे। ओ, ये लेके आ गए, कमन, हमारी चॉकलेट आ गई है, कॉफ़ी। और पी के बताने वाले हैं कि टेस्ट कैसा है, और फिर अच्छा टेस्ट हुआ तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जोर से दबा के देख, दबा के जोर से आप इसे कॉफी का डब्बा लिखा हुआ है, देखो इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा अच्छा लग रहा है, प्यारे बच्चे हैं, ये भी साइकिल चला के आई है, छोटे पहिया वाली साइकिल, वो लास्ट वाली ज़्यादा प्यारी है, और वो सिंहदेव छोटी सी बच्ची। अब हमारी कॉफी फिनिश हो चुकी है, और भाई देखो यहाँ पे चल रहा है कौन सा, बिग बॉस चल रहा है, कॉफी पी रहे हैं मस्त एकदम, एक काम दो काम, वाईफाई हमने ले लिया और अब जा रहे हैं घर पे, और हम देने वाले हैं पैसे, 2 कॉफी के 50 रुपये हो गए हैं, हैं
फील हो ना, मैं दे रहा हूँ पैसे। सिंहदेव डू ये ओके बाय बाय थैंक यू भाई। फोटो शूट हो गई है फाइनली, हम घर आ चुके हैं और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज हमारा डे ऑफ था और वीडियो हम गए थे छोटे से गांव में और अच्छा लगा, हमने एंजॉय किया। और खास बात, हमने वियतनाम में बहुत सारी भैंस देखी है कि लोग कहते हैं कि वियतनाम में, जैसे हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग पूछते हैं आसपास के कि वियतनाम में भैंस होती है, गाय होती है, हनुमान जी का मंदिर होता है, बालाजी का मंदिर होता है, तो ऐसे बोल बोल के ना हंसी मजाक उड़ाते रहते हैं। तो आज मैंने तो गांव जाके भैंस, बहुत सारी भैंस देखी तो दिमाग में आया, तो हमने वीडियो बना लिया। तो हम आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे, आज गांव का प्रॉपर लुक दिखाया है। हाँ, तो कैसा लगा आज? अच्छा था, मजा आया। अच्छा था। हाँ, उधर ये क्लो बीच की तरफ से गए थे, क्लो बीच पहले तो प्लान था कि क्लो बीच चलेंगे, उधर मंदिर वंदिर है तो वहाँ कुछ देख के आएंगे, फिर अचानक से इधर चलो गांव की तरफ घूम के आते हैं, आज गांव गया दिखाते हैं पूरा प्रॉपर। फिर उधर इनको भैंसे वगैरह दिख गई, फिर वो भी वीडियो बनाने लगे, फिर थोड़ा आगे जाके वो वॉलीबॉल का इनका मजा आया, लेकिन काफी मजा आया वहाँ जहाँ हम वॉलीबॉल खेल रहे थे ना, जब हम गए थे ना, अपन गए थे ना, तब तीन चार लोग खेल रहे थे वहाँ पे, जैसे ही ये खेलने लगे भाई भीड़ जो आई है, इंडिया 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 से जैसे ही पता चला बहुत भीड़ हो गई वहाँ पे, सारे बच्चे इसको भी बोल रहे थे खेलो, मुझे खेलना नहीं आता, लेकिन फिर मेरे खेलना था, मैं खेलने लग गया, फिर उनको मजा आने लग गया, फिर खेले खेलना भी, और फिर काफी सारे लोग हो गए थे, उधर भी बहुत सारे हो गए थे, इधर भी, फिर मैंने सोचा चलो अपन वीडियो ही बनाते हैं। फिर तो फिर हमारा शाम का आश्रित बहुत अच्छा रहा, मजा आया। फिर गांव की फीलिंग आने के बाद हम खाना पूरी बनाई थी और ये पनीर की सब्जी है, ये सुबह बनाई हुई थी, सुबह बनाई थी तो शाम को बनाने की जरूरत पड़ी नहीं, तो बस हमने पूड़ी बनाई है गरम, तो हम खा लिए हैं। और मैंने खा लिया, ये अब खाएंगे, मैं अब खाऊंगा, लेकिन हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा आज का, और मजा आया आज। हाँ, बहुत मजा आया, और अच्छा है, ऐसे हर सैटरडे को संडे को घूमने निकलना चाहिए, ऐसे निकलना चाहिए। हाँ। और हमने सोचा है कि अब हर सैटरडे को हम वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, और हम अब गांव में जाके गांव की लाइफ स्टाइल, वियतनाम की लाइफ स्टाइल हम आपको जरूर दिखाएंगे। और चलो आप एंजॉय कीजिए हमारे वीडियो को, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको क्या कमी लगती है इस वीडियो में तो आप जरूर कमेंट में जरूर लिखिए, हम उस चीज को सुधार करेंगे, क्योंकि हम इस लाइन में अभी स्टार्टिंग है, अभी हम अंदर अब इस लाइन में आए हैं, तो हमें कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो और आप सभी का प्यार चाहिए, और यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नए आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देखे इंजॉय कीजिए, क्यों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे, पर इनका दिल मत दुखाना, मैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आदमी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको बुरा लग जाएगा। तो मेहनत करते हैं, इधर उधर जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, और तो अब हम जिम, हम फिटनेस वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, फिटनेस का बनाएंगे, जिम का बनाएंगे, हम क्या करते हैं डेली, हर दिन का एक एक एक्सरसाइज बताएंगे आपको। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर करना सारे जी, बिल्कुल करेंगे, चलो बाय बाय, मिलते हैं।